सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, एक फ्रॉक स्टिच करने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। फ्रॉम 45 मीटर क्लॉथ, टोटल कितना है 45 मीटर क्लॉथ है, ओके। हाउ मेनी फ्रॉक्स ऑफ द सेम साइज कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन अनयूज्ड। अब यहाँ पे जब भी कोई मीटर सेंटीमीटर में हो ना, तो एक चीज कंफर्म कर लो कि पहला सब कुछ एक ही यूनिट में ट्रांसफर करो। यहाँ पे 45 मीटर है, ठीक है, तो पहले तो आप सब कुछ सेंटीमीटर में डालो। ये 2 मीटर है 30 सेंटीमीटर, सीओ 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 30, दैट इज 230 सेंटीमीटर। तो एक फ्रॉक बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। नाउ टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, 45 मीटर, तो 45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 4500, ओके। टोटल क्लॉथ कितना है 4500 सेंटीमीटर, तो टोटल में से 230 को पहले तो आप डिवाइड करो। वाई डिवाइड, बिकॉज पूरे कपड़े में से कितने बने हुए वो तो हमें ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। बचेगा एक फ्रॉक के लिए कितना चाहिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लीटर 850 का हो जाएगा 4850 मिलीलीटर। इन हाउ मेनी ग्लासेस कैन द मिल्क बी पोर्ड इन ईच ग्लास कैन होल्ड 48.5 ml ऑफ मिल्क। तो अगर एक ग्लास में 48.5 है तो ऐसे कितने ग्लासेस बन सकते हैं, सिंपली डिवाइड, ओके, दैट इज 4850 डिवाइडेड बाय 48.5, वेरी सिंपल आंसर 100 आपको मिलेगा, 100 ग्लासेस बने, ठीक है। क्यों? बिकॉज 4850 48.5, सिंपल से नंबर्स को देखो तो भी आपको आंसर मिल सकता, ठीक है। नंबर 13, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 54 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 45। उसने पहले 54 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 45 के बजाय, तो आपको तो दोनों करने पड़ेंगे कि पहले 54 से क्या आंसर आया और 45 से क्या आंसर, पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ग्रेटर कौन है, तो डिफरेंस निकालो बड़े में से छोटे को माइनस, ठीक है, तो यू विल गेट द ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। नंबर 14, अ मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में मेडिसिन पैक की हुई है, ठीक है। ईच बॉक्स वेज 4 kg 500 grams, कन्वर्ट करो, एक बॉक्स का वजन कितना है 4 kg 500 grams, मतलब 4500 होगा ग्राम्स। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन व्हिच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 868 kg 620 grams। तो एक वैन है उसमें ये पूरा लोड करना है माल, ठीक है। तो अगर वैन में कैपेसिटी कितनी है, 868 की कैपेसिटी, तो अंदर कितने बॉक्सेस जा सकते हैं, तो आपके पास एक बॉक्स का तो वेट है कैपेसिटी पे है, तो कैपेसिटी में से उसको डिवाइड करो, ठीक है, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 86,860 को, सॉरी 620 को 4500 के साथ डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इट इज 868,620 डिवाइडेड बाय 4500 ग्राम्स, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 15, अ सोसाइटी नीडेड रुपीज 2,36,85,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी, एक सोसाइटी को प्रॉपर्टी बाय अप करनी थी, उसके लिए इतने अमाउंट चाहिए। इट कलेक्टेड रुपीज 89,25,000 एज मेंबरशिप फंड, अब मेंबरशिप फंड होता है वो फंड में इतने रुपए थे। टुक अ लोन ऑफ रुपीज 75,50,000 रुपीज की लोन ली फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड कलेक्टेड रुपीज 39,15,869 डोनेशन के लिए इतने रुपीज कलेक्ट कर लिए, मतलब डोनेशन के लिए नहीं, डोनेशन में इतने रुपीज मिले। हाउ मच मनी इज द सोसाइटी टिल शॉर्ट ऑफ, अब सोसाइटी को और कितने रुपीज चाहिए, तो पहले तो जहां जहां से पैसे मिले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, डोनेशन में मिले, मेंबरशिप फंड में से इतने मिले, सबको है, जो आंसर आए उसमें से वो प्रॉपर्टी अमाउंट को, उसमें प्रॉपर्टी अमाउंट में से लेस करो, आपको आंसर मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर 450 मीटर एंड 250 मीटर, लेंथ 450 है, ब्रेथ 250, दो लेंथ होती है, दो ब्रेथ होती है, ठीक है, एक अगर स्क्वायर हो तो। अ वॉल इज टू बी बिल्ड अराउंड द फील्ड, और जो फील्ड है तो उसके आजू बाजू एक वॉल बनानी है, चार फोर साइड होती है वॉल में। 1 मीटर लेंथ ऑफ वॉल रिक्वायर्स 200 ब्रिक्स, अब देखो वन मीटर लेंथ को
from 35 meter 35 centimeter cloth. How many skirts can be stitched and how much cloth remains unmixed? Yes, same job the seventh sankhya uska jaisa exactly wahi. So I want you all to try this out. Okay, do it by yourself. Sums are complete kar lena 17 sums and then after. Now in the next lecture we'll start with estimation of numbers. Estimation of numbers explanation तो हो गया है, अब उसकी एक्सरसाइजी बाकी है, ठीक है? That is checkpoint 1.4. That will do it in the another lecture. Okay? Till then complete your work and complete your book on time. Take care.